वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्च हरीशवन्दे कीर्तिप्रदेखिल मनोरथदे महारे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं सर्वेभ्यो नमः। नमस्कार, आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में रक्तचाप रोग का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। आप सभी रोग निर्णय के सिद्धांतों से परिचित होंगे कि किन किन भावों से, किन किन ग्रहों से रोगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जन्म से षष्ठ स्थान, लग्न से षष्ठ स्थान से रोगों का वर्णन, रोगों का अध्ययन किया जाता है। षष्ठेश की स्थितिवश, अष्टम की स्थितिवश ये रोग भाव हैं, तथा प्रत्येक रोग के प्रत्येक अंग विभाग के भावों के माध्यम से हम किस अंग में कौन सा रोग होगा, उस ग्रह की, उस भावेश की जब भुक्ति दशा होगी तब हम पता कर सकते हैं कि ये रोग इस समय होने की संभावना है। वैसे ही रक्तचाप रोग यानी हाई ब्लड प्रेशर या निम्न ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप रोग क्या है उसको जानते हैं। रक्तचाप ब्लड प्रेशर रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों की दीवार पर डाले गए दबाव को कहते हैं। धमनियों पर वह दबाव नलिकाओं में जो पंप करने वाला है, हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और सभी इंद्रियों तक ले जाता है। हृदय रक्त की धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और उन पर जो लगने वाला दबाव है उसको रक्तचाप कहते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक डायक्लोस्टिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे कि 120 और 80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों में दबाव को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त के पंप को जो करती है डायग्लोस्टिक रक्तचाप कहलाता है। अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दबाव को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। रक्तचाप हमेशा उस समय अधिक होता है जब हृदय पंप कर रहा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा 90 और 120 मिलीमीटर के मध्य होता है। सामान्य डायलोस्टिक रक्तचाप का जो पारा होता है 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। सामान्य डायलोस्टिक रक्तचाप पारा 60 से 80 मिलीमीटर होना चाहिए। निम्न रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन वह दबाव है जिससे धमनियां और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षणों या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफी कम होता है तो उससे मस्तिष्क, हृदय तथा हमारे गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे इंद्रियां सामान्य रूप से काम नहीं कर पाती है। इससे स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप के विपरीत निम्न रक्तचाप की पहचान मूलतः लक्षण और संकेत से नहीं होती है, न कि विशिष्ट दबाव की संख्या से। किसी किसी का रक्तचाप 90 से 50 होता है तो उसमें निम्न रक्तचाप का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है, अतः इसलिए उन्हें निम्न रक्तचाप नहीं होता। रक्तचाप के क्या कारण हो सकते हैं? चिंता, ईर्ष्या, भय, मानसिक विकार इत्यादि। कई बार या बार बार आवश्यकता से अधिक भोजन करना, बहुत ज़्यादा वसायुक्त भोजन जैसे मैदा व मसालेदार, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस इत्यादि, अन्यत्र विषैले पदार्थ, सिगरेट, शराब इत्यादि का अधिक सेवन होना, नियमित खाने में रेशे, कच्चे व फल और सलाद आदि का अभाव, श्रमहीन जीवन, व्यायाम का अभाव तथा पेट और पेशाब से संबंधित समस्याएं,
ये सब रक्तचाप रोग के लक्षण और कारण, यानी इन इनसे जो है रक्तचाप रोग होने की संभावना रहती है। रक्तचाप 130 80 से ऊपर का रक्तचाप, उच्च रक्तचाप या जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं वो कहलाता है। इसका अर्थ है कि धमनियों में उच्च रक्तचाप तनावबद्ध है। उच्च रक्तचाप का अर्थ यह नहीं है कि अत्यधिक भावनात्मक तनाव हो। भावनात्मक तनाव व दबाव अस्थायी रूप से रक्त के प्रभाव को बढ़ा देता है। सामान्यतः रक्तचाप एक स्वस्थ व्यक्ति का 120 और 80 से कम नहीं होना चाहिए। 120 80 तथा 139 और 189 के मध्य रक्त का दबाव उच्च रक्तचाप से हृदय रोग, गुर्दे की बीमारियां, धमनियों में अनेक प्रकार की विकृति इत्यादि हो जाना, आँखों में समस्या होना इत्यादि एवं मस्तिष्क विकार इत्यादि होने का या इसमें रोग उत्पन्न होने का जोखिम बढ़ सकता है। इसी प्रकार आप देखते होंगे कि उच्च रक्तचाप का निदान किस प्रकार होना चाहिए ज्योतिष शास्त्र में, जिससे रक्तचाप को सामान्य तरीके से जटिलताओं को रोकने के प्रयास संभव हो सके। फार्माकोलॉजी विभाग कोलोन विश्वविद्यालय जर्मनी में एक शोध हुआ, उसके अनुसार वो कहते हैं कि जैसे चॉकलेट खाने और काली व हरी चाय पीने से रक्तचाप पर नियंत्रण पा सकते हैं। कनाडा के शोधकर्ता रॉस डी वेलफेडमैन के अनुसार उच्च रक्तचाप को के रोगियों का विशेष देखभाल और जांच की जरूरत होती है। इससे उन व्यक्तियों में आशंका यह रहती है कि एक चौथाई उच्च रक्तचाप रोगियों की संख्या कम हो सकती है। वही मस्तिष्काघात की संभावनाएं 40% कम हो सकती है। JNC 7 2009 के अनुसार रक्तचाप का निम्न वर्गीकरण 18 वर्ष से अधिक वयस्कों हेतु बताया जाता है। यह कार्यालय में बैठे लोगों को सही सही तरीकों से ली गई रीडिंग्स के आधार पर यह औसत बताया गया है। रक्तचाप का वर्गीकरण हाइपरटेंशन में आपका जो पारा होता है वो 90 सिस्टोलिक होना चाहिए और डायग्नोस्टिक जो है 60 होना चाहिए। सामान्य तौर पे 90 से 119 और 60 से 79 के बीच। प्री हाई हाइपरटेंशन जो है 120 से 139 सिस्टोलिक होना चाहिए और 80 से 89 डायग्नोस्टिक होना चाहिए। इसी प्रकार के से स्तर वन हाइपरटेंशन जो है 140 से 159 सिस्टोलिक मिलीमरकरी होना चाहिए और डायस्टोलिक जो है 90 से 99। इसी प्रकार सेकंड स्तर पे हाइपरटेंशन जो है 160 से और 180 160 से 100, 160 सिस्टोलिक और डायलोस्टिक जो है 100 होना चाहिए। ये तो एक सामान्य तौर पे ज्योतिष के अलावा सामान्य रक्तचाप का स्वरूप है या लक्षण है भौतिक दृष्टि से। अब बात करते हैं हम कि ज्योतिष शास्त्र में रक्तचाप के क्या कारण हैं, क्या ऐसे योग हैं कि जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि निम्न व्यक्ति को रक्तचाप यानी कि बीपी की हाइपरटेंशन की समस्या है, इसके क्या कारण है, ज्योतिषीय क्या कारण हो सकते हैं। आप सभी परिचित होंगे कि रक्तचाप या सामान्य रक्तचाप हो या अनियमित रक्तचाप हो, रक्तचाप एक जीर्ण व्याधि है जो कि युवा व्याधियों की अपेक्षा वृद्धावस्था में अधिक मिलती है। रक्तचाप को जानने के लिए निम्न जानकारियां अवश्य प्रतीत होना चाहिए। वह क्या है? जैसे हृदय की धमनियों में अपगलन का रोग हो, इसमें रक्त वाहिनियों की आंतरिक दीवार टूटने लगती है। हृदय की गति यदि नियंत्रित न हो तो अपगलन का रोग उत्पन्न होता है। इससे हमारे जो रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह होती है, दीवार होती है, वो टूटने लग जाती है, जिस पर बहने वाली वसा जमा हो जाती है
और वो होती रहती है। भारत में प्रति 1,000 पुरुष व स्त्रियों में क्रमशः 59.9 व 69.9 रोग मिलते हैं इसके। शहरों में प्रति व्यक्ति 35.5 तथा गांव में 35.9 रोग मिलते हैं। ये एक शोध के माध्यम से ये आंकड़े हैं। उच्च रक्तचाप लगातार लंबे समय तक रहने से प्रायः रोगी के हृदय में यानी वृक्क रक्त वाहिनियों में, आंखों का पर्दा, केंद्रीय तंत्रिकाएं, इन सब पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर नियमित रूप से रक्त हाइपर रहता है, रक्तचाप जो है ब्लड प्रेशर हाइपर रहता है, तो इन्हीं अंगों पे मुख्यतः प्रभाव पड़ता है। उच्च रक्तचाप साइलेंट किलर के नाम से भी काम करता है। करीब 85% रोगियों में इसका कारण आरंभ होना ये कारण पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में रक्तचाप के क्या कारण हो सकते हैं, इससे पूर्व हम देखते हैं कि वयस्कों में सामान्यतः सिस्टोलिक बीपी 160 mm और डाइक्लोस्टिक बीपी 95 mm ऑफ एएचजी से ऊपर रहता है, पर यह मापदंड जाति, स्थान, देश, काल आदि के आधार पर परिवर्तित भी हो सकता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से रक्तगत वात, रक्त में वायु के बढ़ने से तीव्र शूल, जलन, त्वचा वैवर्ण्य, शरीर में कृशता, भूख न लगना, त्वचा पर धब्बे, भोजन के तुरंत बाद शरीर में भारीपन इत्यादि उत्पन्न होना, ये सब रक्तचाप के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। निम्न रक्तचाप के क्या लक्षण हो सकते हैं, इसको ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टि से देखते हैं। चंद्रमा के कमजोर होने से, देखिए चंद्रमा जो है रक्त का कारक ग्रह है। चंद्रमा जिसकी कुंडली में भी नीच होगा, कमजोर होगा, तो कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित विकार अवश्य होगा। दूसरा, हथेलियों में चंद्र पर्वत पर कालिमा या दाग धब्बे होने पर भी निम्न रक्तचाप होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार उच्च रक्तचाप के जो ज्योतिषीय लक्षण हैं, मंगल के बहुत ज्यादा मजबूत होने से, चंद्रमा के खराब होने से, कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होने से, तथा अगर राहु का संबंध केंद्र स्थान में हो तो रक्तचाप रोग होने की संभावना रहती है। रक्तचाप के जो योग हैं, मुख्यतः रक्तचाप किसी भी चिकित्सा शास्त्र में रोग के रूप में न होकर लक्षण पुंज के रूप में वर्णित है। इसलिए ज्योतिष भी रक्तचाप के परिज्ञान हेतु तो निम्नलिखित तीन उपकरण आवश्यक है। वो क्या है? योग, दशा और गोचर। इनमें दशा तथा गोचर का ज्ञान तो तात्कालिक रूप से किया जा सकता है, परंतु इसके लिए भी रक्तचाप के संदर्भ में योग की तीन घटक, वो क्या है? ग्रह राशि और भाव का, इनका चिंतन करना परम आवश्यक है। अब ग्रहों के हिसाब से यदि हम देखें, सूर्य जो है अग्नि तत्व है, शुष्क ग्रह है। मनुष्य में जो है इसका नेत्र, आयु, सिर, हृदय, प्राण शक्ति, रक्त पित्त का प्रतिनिधि करता है। आयुर्वेद की दृष्टि से जठराग्नि मानद्य, रक्ताग्नि मानद, इस योग का प्रमुख कारण तथा पाचक व साधक पित्त संप्राप्ति के घटक हैं। अतः सूर्य पापाक्रांत हो, नीचस्थ होने पर उपरोक्त रोग यानी रक्तचाप होने की संभावना है, हाइपरटेंशन। इसी प्रकार शरीर के बहते हुए खून से नलियों में जो दबाव पड़ता है उसको अगर हम समझें तो वो एक रक्तचाप कहा जाता है। जब रक्त का बहाव तेज होता है उसे रक्तचाप कहते हैं। निम्न रक्तचाप में रक्त का बहाव काफी कम हो जाता है तो रक्तचाप से तमाम तरह की समस्याएं हो जाती है। इसलिए चंद्रमा और मंगल दोनों की भूमिका इसमें परम आवश्यक है। बृहस्पति के कारण नलिकाओं में वसा इत्यादि का इकट्ठा हो जाना, इससे भी रक्तचाप प्रभावित होता है।
इसी प्रकार पंच तारा ग्रह, अग्नि तत्व ग्रह हो गया, जल तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, आकाश तत्व हो गया, जब इनमें साम्यता न होती है, वैषम्यता आ जाती है, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करती है। प्रायः आप देखते हैं कि उदरम दुखालयम, सभी व्याधियों का जन्म पेट से है। मनुष्य का यदि उदर ठीक नहीं है, पाचन तंत्र पाचाग्नि हमारी जो है पाचक अग्नि सही नहीं है, तो अनेक प्रकार की व्याधियां होने की संभावना रहती है, और सभी व्याधियों का जन्म फिर उदर से होता है। इसी प्रकार अग्निमांद्य हो या अग्नि अधिकता हो, इसका विचार मंगल सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, ये बहुत बलिष्ठ होंगे तो बहुत ज्यादा अग्नि तीव्र होंगे, तो इनकी असंतुलतावश शरीर में रक्तचाप अनियंत्रित होने की संभावना है। इसलिए आप सभी लोग जानते हैं कि यदि चंद्रमा नीचगत हो, दुष्ट ग्रहों से युक्त हो, शत्रु राशिगत हो और लग्नेश निर्बल हो, साथ ही चंद्र और मंगल का कहीं परस्पर स्थान संबंध हो और मंगल बलिष्ठ हो, तो वो भी कहीं न कहीं रक्तचाप की अनियंत्रितता को दर्शाता है। इसलिए इन सब का नियंत्रण होना, यानी ग्रहों का, पंच तारा ये पंच महाभूतों का हमारी कुंडली में पंच तारा ग्रह जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी साम्यता के वश में रक्तचाप का नियंत्रण और अनियंत्रण होना, इस सिद्धांत का ज्ञान करने में ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप थोड़ा सा इस रक्तचाप कैसे बढ़ता है और रक्तचाप क्या है, इसका सामान्य परिचय से आप परिचित हुए होंगे। आगे हम जो है इसका विस्तृत चर्चा करेंगे कि रक्तचाप के क्या विशेष योग ज्योतिष शास्त्र में हैं, किन लोगों को रक्तचाप रोग होने की संभावना रहती है, और ज्योतिष शास्त्र में इसका काल निर्धारण क्या है। आज तो हम प्रायः देखते हैं कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को रक्तचाप की समस्या हो जाती है। मुख्यतः जैसे है, पहले ये कहा जाता था कि एक उम्र विशेष में रक्तचाप होने की संभावना रहती है, लेकिन आज प्रायः युवाओं में भी 18 वर्ष से 22, 25, 27 वर्ष के बीच के लोगों में भी रक्तचाप पाया जा रहा है, रक्तचाप के रोग पाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका कारण मूल में हम देखेंगे तो ज्योतिष शास्त्रीय कुछ योग जरूर हैं। तो इसका विश्लेषण करके हमको इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि इसका क्या कारण है कि जो इस प्रकार से ये रोग बढ़ रहे हैं। और दूसरा, आज हम देखते हैं कि हम लोगों का खान पान बड़ा विघटित हो गया है, अनियंत्रित हो गया है, संयमता हट गई है, खाने पर अनियमित आहार विहार हो गया है, जिसके कारण भी इस रोग का जन्म होने का एक कारण मैं मानता हूँ। इसी प्रकार हम आगे इस रोग की विशेष चर्चा करेंगे। आज थोड़ा इसका परिचय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तब तक के लिए सबको नमस्कार।